आप देख रहे हैं KDS न्यूज़, बेहतरीन खबर। छोटी काशी में लगने वाले सावन मेले में चिकित्सा सेवा को लेकर हाई अलर्ट पर रहेगा स्वास्थ्य विभाग। CMO डॉक्टर अरुणेंद्र कुमार त्रिपाठी ने यह जानकारी दी है। हम आपको बता दें कि नवागत CMO डॉक्टर अरुणेंद्र कुमार त्रिपाठी चार्ज संभाला, जिसके बाद उन्होंने शनिवार को अपने आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान ACMO, डिप्टी CMO सहित CSC अधीक्षक, जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में सावन मास के चलते छोटी काशी गोला में आने वाले कांवड़ियों को स्वास्थ्य सेवाएं देने पर विस्तार से प्लान बनाया गया। इस दौरान जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल एक्टिव मोड पर रहेंगे। वहीं छोटी काशी सहित आसपास के क्षेत्र में हेल्थ पोस्ट बनाकर कांवड़ियों को चिकित्सा एवं आवश्यक उपचार दिया जाएगा। CMO डॉक्टर अरुणेंद्र कुमार त्रिपाठी ने समस्त अधिकारियों और CSC प्रभारियों से एक शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान खीरी जिले की छोटी काशी में होने वाले भव्य मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का खाका तैयार किया गया है। सावन मास की शुरुआत 14 जुलाई से होने वाली है। इसे लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए आसपास के जिलों सहित दूसरे प्रदेशों से भी छोटी काशी पहुंचेंगे। इसके अंतर्गत छोटी काशी गोला CSC के अंतर्गत मंदिर प्रांगण सहित गोला लखीमपुर मार्ग पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, मोहम्मदी रोड पर कंजा मंदिर सहित साई मेजलान नवीन बाईपास पर हेल्थ पोस्ट बनाए जाएंगे, जहां पर एक मेडिकल ऑफिसर सहित एक फार्मासिस्ट, एक पैरामेडिकल स्टाफ और एक वार्ड बॉय की ड्यूटी लगाई जाएगी। या ड्यूटी रोस्टर के अनुसार 24 घंटे चलेगी, जिससे कांवड़ियों को किसी भी स्थिति में तुरंत उपचार मिल सके। वहीं इन तीनों स्थानों पर एक एक एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। इस बैठक में जो ACMO डॉक्टर अश्विनी कुमार, ACMO डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, ACMO डॉक्टर BC पंत, डिप्टी CMO डॉक्टर लालजी पासी सहित समस्त CSC अधीक्षक मौजूद रहे, सभी आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान CMO डॉक्टर अरुणेंद्र कुमार त्रिपाठी ने सभी CSC प्रभारियों को अपने अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाएं ARV, टिटनेस, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, उल्टी और दर्द संबंधी इंजेक्शन और बुखार संबंधी दवाएं प्रचुर मात्रा में स्टॉक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मलहम पट्टी के लिए भी पूर्ण व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जो चार्ज संभाला तो उनके जो मुख्य बात थी, जो उन्होंने कहा, वो उनका फोकस इस बात पर था कि जो वेतन है, आशा भुगतान और जरूरी पेमेंट में देरी ना की जाए। उन्होंने इस दौरान यह निर्देश दिया कि NHM के अंतर्गत तैनात संविदा कर्मचारियों सहित समस्त कर्मचारियों और आशाओं के भुगतान में किसी भी तरह की हीला हवाली ना की जाए। सभी जो जरूरी पेमेंट तत्काल कराना सुनिश्चित किया जाए। ऐसी बेहतरीन खबरों को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जनता हमारी खबरों को शेयर करें। आप देख रहे थे देवनंदन श्रीवास्तव के साथ खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।